हे प्यारो परमेश्वर की हुजूरी में जाए, जिस परमेश्वर को आप आराधना देने चाह रहे हो उसे जानिए कि वो कौन है। प्यारो वो सामान्य परमेश्वर नहीं है, प्यारो वो इस दुनिया का बनाने वाला है। इस दुनिया और उसमें जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है प्यारो, उसके ऊपर वो राजा है। हमारा परमेश्वर कोई भी लिमिटेशन में बनने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको कुछ भी बांध नहीं सकता, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उसके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं, उसके काम करने की कोई सीमा नहीं। वो जब काम करना चाहता है वो सूर्य को भी थमा देता है। वो हमारा परमेश्वर है प्यारो, उसे कुछ भी बांध नहीं सकता, और मैं और आप उसके चरणों में बैठे हैं। हाथों को उठाकर प्रभु को कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मुझे ऐसा परमेश्वर मिला है जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और आनंद की बात यह है कि वो हमें प्रेम करता है प्यारो, वापस से प्रेम करता है, और वो हमारे बीच मौजूद है प्यारो। प्रभु से कहे, प्रभु मैं जैसा आया हूं वैसा यहां से नहीं जाने वाला। अब जितने ऑनलाइन जुड़े हो आप भी कह सकते हो, प्रभु मैं आपके चरणों में बैठा हूं बैठी हूं वैसा ही नहीं उठूंगा, क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर के पास आया हूं जिसको कोई भी बांध नहीं सकता, जिसके काम करने का कोई दायरा सीमित नहीं है, जिसकी ताकत सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। ऐसे परमेश्वर के मैं पास आया हूं। जो भी आपके जीवन की तकलीफ हो, आपकी समस्या हो, आपके बोझ हो, प्रभु से कहे, प्रभु ये परिस्थिति तुझे नहीं बांध सकती, ये बीमारी, ये कर्जा, ये पारिवारिक प्रश्न, ऐसे कंफ्यूजन में आप हो जिसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है, रास्ता नहीं दिखाई देता, कहिए प्रभु ये परिस्थिति तुझे काम करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आप इस पूरे संसार को बनाने वाले सर्व शक्तिमान परमेश्वर हो जिसको कोई बांध नहीं सकता। प्रभु से कहे, ऐसे प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूं और मैं तेरे चरणों में आकर खुश हूं प्रभु, कि ऐसा सर्वशक्तिमान प्रभु मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए प्यारो, अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु जितना भी वक्त मैं तेरे चरणों में बैठूं, मैं मिट्टी के समान अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देता हूं। आप जो चाहो वो करिए मेरे जीवन में, आप जैसा रूप देना चाहो ऐसा दो प्रभु मेरे जीवन में, मैं आपको अधिकार देता हूँ। सिर्फ मैं जो कहता हूँ वो सुनना नहीं प्यारो, आप कहिए, आप कहोगे वो प्रभु करेंगे प्यारो। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं आपको अधिकार देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद इस आशीषित दिन के लिए, आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी आराधना कर पाए, आपके वचनों से सीखे प्रभु, और ये दिन आपने हमें दिया हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितना भी समय हम आपकी हुजूर में बिताए ये समय आशीषित बन जाए प्रभु।
जितने भी लोग हमसे आज जुड़े या आने वाले दिनों में जुड़े, जो भी आज की आराधना में जुड़े, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में छुटकारा है, आपकी उपस्थिति में शांति है, आपकी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं प्रभु, रोगों से चंगाई पाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी उपस्थिति जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे बीच बनी रहे आपके वचन के अनुसार, और आप हमारे बीच उपस्थित रहकर अद्भुत काम आज करिए परमेश्वर, ऐसी हम विनती करते हैं। इस समय के विरुद्ध जो भी शैतान के काम हो, उसे हम यीशु मसीह नाजरिक के नाम से निष्फल कर देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारी ये दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से है, आप कबूल करिए प्यारे पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए, गाने के शब्द है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है, जगत और उसमें रहने वाले भी तेरे हैं। इस सृष्टि का तू ही राजा अधिराज है, तुलना किससे करूं, तू सर्वशक्तिमान है। बोलिए यीशु आप सर्वशक्तिमान हो। प्यारो, एक बार प्रभु यीशु सब्त के दिन एक भवन में गए, और वहां पर लिखा है कि आराधनालय में जब वे उपदेश कर रहे थे, वहां एक स्त्री थी जो 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा से पीड़ित थी। बोलिए दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा, सुना है ऐसा नाम? ये पर्टिकुलर ऐसी दुष्टात्मा थी जो ये स्त्री को दुर्बल किए हुए थी। कई बार शैतान बीमारी को लाता है प्यारो, बीमारी में बांधे रखता है, और स्त्री को तो 18 साल से शैतान ने दुर्बलता में बीमारी में जकड़ कर रखा था प्यारो। वो कुबड़ी हो गई थी दुर्बलता के कारण, इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अपने आप को सीधी खड़ी नहीं रख पा रही थी। और वहां यीशु जब प्रीच कर रहे थे, प्रभु ने उससे कहा, यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छुट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत, बोलिए तुरंत, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वो ही यीशु हमारे बीच है प्यारो। 18 साल कम नहीं होते प्यारो। 18 साल से जो दुर्बलता से पीड़ित थी, उसका दर्द शायद हम समझ नहीं पाएंगे। 4 दिन बुखार रहता है, दवाई लेने पर जब उतरता नहीं है, हमारे सिर पर चिंताएं सवार हो जाती है, क्या हुआ होगा, क्यों ये बुखार उतरता नहीं, क्यों ये दवाई काम नहीं कर रही। हम एक छोर दूसरे के पास, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, दूसरे डॉक्टर को छोर तीसरे के पास दौड़ते हैं। ये तो 18 साल से बीमार थी प्यारो, अपने आप को सीधी खड़ी नहीं रख पा रही थी, लेकिन वहां कोई था जो असंभव को संभव कर सकता था, जिसको टाइम पीरियड बांध नहीं सकता, जिसको वो बीमारी रोक नहीं पाई, वो यीशु ने उससे कहा, तू चंगी हो गई है। और वहां लिखा है वो तुरंत, जो 18 साल से नहीं हुआ था, यीशु के एक शब्द ने वो कर दिखाया। वो ही यीशु, वैसे ही काम करने वाला यीशु आज हमारे बीच है। उसकी ताकत में, सामर्थ में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो राजा अधिराज है, वो सर्व सामर्थी खुदावंत है। अब विश्वास करिए, जो सालों से नहीं हुआ होगा वो प्रभु आपके लिए कर सकता है प्यारो। चाहे कोई भी परिस्थिति ने आपको बांध कर रखा हो, कितने भी लंबे समय से, यीशु आपको छुड़ा सकता है। हाथों को उठाए गाने से पहले हम विश्वास जाहिर करें, हाथों को उठा कर कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू राजा अधिराज है। बोले ऊंची आवाज में, तू राजा अधिराज है यीशु, तू सर्वशक्तिमान है यीशु, कोई परिस्थिति तुझे बांध नहीं सकती। चाहे कितने भी समय से हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु तू छुड़ाने के लिए सामर्थी है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, वो ही यीशु हमारे बीच है, वो आज अद्भुत काम मेरे जीवन में करेगा। मिलकर कहे आमेन, हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए।
जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है, जगत और उसमें रहने वाले भी तेरे हैं। इस सृष्टि का तू ही राजा की राज है, तू ना किससे करो तेरी, तू सर्वशक्तिमान है। सारी सृष्टि का तू रखवाला जैसे संभाला है तूने मुझे, शत्रु को मुझ पर कभी हंसने नहीं दिया तूने। मिट गया होता मैं तेरी करुणा के पीड़ा, तूने हाथ पकड़ कर मेरा हर दिन चलाया मुझे, तेरी कृपा से जी रहा हूँ। सुरक्षा करने वाला बनाए, एक और बार गाए, यीशु 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 यीशु। गाए तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू द्वारा खरीदा है तूने मुझे, अब इसी बनता तू भी मालिक है मेरे यीशु। कैसे शुक्रिया करूं मैं इस जीवन के लिए, कभी भी न भूल सकूंगा तेरे इस एहसान को मैं, चाहे कुछ भी हो मैं तेरा रहूं। मिलकर का यीशु पाए, चाहे हो कोई वादा चाहे शैतानी ताकत, सब बातों में जय पाता तेरे ही कारण यीशु। जय वंश से भी बढ़कर बनाया है तूने मुझे, शैतान मुझे ना छू सकता है। संभाला है तूने मुझे, शत्रु को मुझ पर कभी हंसने नहीं दिया तूने। मिट गया होता मैं तेरी कर
बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे प्यारो, उसने दुष्ट आत्माओं को आपको छूने नहीं दिया प्यारो। हालेलुया। अय्यूब के लिए शैतान कंप्लेन करने लगा प्रभु से, क्या तू उसका चारों ओर से, बोले चारों ओर से, क्या तू उसकी चारों ओर से सुरक्षा नहीं करता प्रभु? शैतान थक गया होगा, कहीं से भी वो सफल नहीं हो पाया प्यारो, क्योंकि परमेश्वर चारों ओर से उसकी सुरक्षा कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव रखने वाले परमेश्वर नहीं है। अय्यूब के लिए करे, आपके लिए ना करे, वैसे खुदावंत नहीं है, वो आपको सुरक्षित रखे हुए। हालेलुया। हाथों को उठाए प्रभु से, कहे तूने प्रभु मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान संभाला है, प्रभु मेरी अच्छाई के कारण मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तेरी सुरक्षा के कारण मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा, तूने शैतान को मुझे छूने नहीं दिया प्रभु, शैतान के हर एक चलते भालों को तूने निष्फल किया है, तू मेरी ढाल बना, तू मेरी चट्टान बना प्रभु, तेरा धन्यवाद। ये Yeshu, Yeshu, Yeshu. Hallelujah. एक और गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाया, गाए, तेरी करुणा घटती नहीं, तेरी सच्चाई मिटती नहीं। हालेलुया। उसकी करुणा हर भोर को, हर सुबह को ताजी नहीं हो जाती है। हालेलुया। हर रोज सुबह प्रभु करुणा कृपा हम पर उंडेल देता है, हमारी हर जरूरत के लिए, हमारे हर उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हर एक दिन को जीने के लिए सुबह ही प्रभु हम पर करुणा बरसा देते। हालेलुया। आए उस प्रभु को धन्यवाद दे प्यारो, जो दया और कृपा करने में अव्वल प्रभु है, वो दया का सागर है प्यारो। हम यूं ही नहीं कहते प्रभु तू दया का सागर, वो हमारे पापों के, हमारे जितने पाप है, हमारे जितने गुनाह है, उसके प्रमाण में हमें बदला नहीं देने वाला खुदा है। अगर वो हमारे पापों की ओर देखता प्यारो, तो हम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का जो हमारे पापों के प्रमाण में हमें बदला नहीं देते, क्योंकि वो दया का सागर है। हालेलुया। पतरस बहुत कूद कूद के कह रहा था, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जब यीशु को पकड़ लिया गया, घेर लिया गया, और हम जब उनको सूली पर चढ़ाने वाले थे, पतरस ने 3 बार नकार कर दिया। न सिर्फ नकार किया, वहां लिखा है उसने शपथ खाई कि मैं इससे जानता नहीं हूं, झूठी शपथ खाई। और वहां और एक बात लिखी है, उसने धिक्कारा, धिक्कारा वही यीशु को जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। और ये सब पूरा मामला खत्म हुआ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन वो मरे हुए से जी उठे, और बाद में अपने चेलों को उन्होंने दर्शन दिए। पतरस भी था, आप होते तो बोलिए क्या कहते, पहला शब्द आपका क्या होता, पहला शब्द आपका क्या? पतरस की गर्दन पकड़ते, यहां चल तू आ गया, पहले तू आ गया, कहां गया था तू, मेरे लिए मरने तैयार था, 3-3 बार नकार किया, धिक्कारा मुझे, शपथ खाकर बोला मैं तुझे नहीं। हम ऐसा ही कुछ करते ना, यीशु ने ऐसा नहीं किया। पहला शब्द उनके मुंह से निकला, आपको शांति हो,
आपको शांति हो। हालेलुया। पहला शब्द और कोई नहीं निकला, द्वेष का, धिक्कार का, कड़वाहट का, डांट का, कोई नहीं। पहला शब्द वो निकला, आपको शांति हो, क्योंकि वो दया का सागर है प्यारो। हालेलुया। पत्रस को उन्होंने डांटा नहीं, पत्रस को मिलते ही कहा आप सबको शांति हो। सब चेले भाग गए थे, पत्रस भी भाग गया था, डांटा नहीं, धिक्कारा नहीं, छोड़ जाओ आप जाओ नहीं। यीशु सामने से मिले और सबसे पहला शब्दों का ये था, आपको शांति हो। आए वो प्रभु को धन्यवाद, उसका प्रेम हम नाप नहीं सकते प्यार, उसकी करुणा उसकी दया हमारे नाप से ऊपर है प्यारो। आए उसके लिए उसको धन्यवाद दे प्यारो। प्रभु से कहे, प्रभु तू हमेशा मुझ पर करुणा करता गया, मेरे कई ऐसे काम होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे प्रभु, पतरस के समान उन शैलों के समान, फिर भी आपने मुझे प्यार किया है आपकी दया के कारण। आमेन। आए उसे महिमा देते हुए गाए, जीवित वचन के साथ
आई है। यह तो खुदा की वाणी का सच है, सनातन अविनाशी का परमेश्वर का सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी, सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। जीवित वचन के साथ प्यारो, वो परमेश्वर है जिसकी करुणा कभी भी टलती नहीं है। हालेलुया, वो दयालु खुदावंत है, वो करुणालु परमेश्वर है। मैं सच्ची घटना पढ़ रहा था द न्यूयॉर्क टाइम्स पर, ये कोई क्रिश्चियन मैगजीन में छपी हुई घटना नहीं है, द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई ये घटना है। और वहाँ पर एक बसीर मोहम्मद के विषय में, ये व्यक्ति के विषय में लिखा है, उनके विषय में लिखा है कि जब वे 15 साल के थे, सिर्फ 15 साल के, सीरिया में चलते हुए गृह युद्ध में वे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने भी अपना जीवन वहां खर्च करने के लिए दे दिया। और सिर्फ 15 साल की उम्र में वो एक ऐसे आतंकवादी संगठन में ट्रेनिंग के लिए गए कि वहाँ एकदम लास्ट कैटेगरी की ट्रेनिंग दी जाती थी, एकदम किसी को जो भी आए एकदम कट्टर बना दिया जाता था। और वो जो ट्रेनिंग कैंप था या तो जो संगठन था, उसका नाम है जमात अल नुसरा, जो अलकायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। और ये जमात अल नुसरा में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग ली सिर्फ 15 साल की उम्र में। उनका एक कजिन ब्रदर उन्हें वहाँ ले गया और ट्रेनिंग लेकर वे आए। एक ही चीज उनको सिखाई गई थी, बाकी के हर एक लोग जो वे धर्म के नहीं है, जो वो धर्म से बिलोंग करते थे, बाकी के हर एक लोग दुश्मन है उनके, उनको मार ही डालना है। और ये पूरा संगठन जहां जाए वहां कत्लेआम कर रहा था। और ये भाई कहते हैं मोहम्मद जिनका नाम है, उनके साथी जो थे उन्होंने इतना खराब रीति से दूसरे लोगों को मारा है, बेरहमी से। कुछ बातें जो लिखी है मैं पढ़ भी नहीं सकता प्यारों। कई ऐसे लोग जो ये धर्म के नहीं थे, जो मोहम्मद जो धर्म के थे, पराय धर्म के लोगों को बुलडोजर के नीचे कुचल कर मार डालते थे। इनका संग, इनकी गैंग बुलडोजर के नीचे इनको कुचल कर मार दिया जाता था। प्यारो, इतने खराब जीवन इनका था, एकदम कट्टर आतंकी। लेकिन एक बार उनको उन्होंने देखा कि ये तो हमारे धर्म के लोगों को भी मारते हैं, तब उनको बड़े प्रश्न सताने लगे, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? उनको लगा नहीं, मैं जो कर रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ गलत है, क्योंकि ये तो हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी मार रहे हैं। और वो वहां से भाग गए और इस्तांबुल में जाकर रहने लगे, वो और उनकी वाइफ।
और एक दिन उनकी वाइफ बहुत ही खराब रीति से बीमार पड़ी, बहुत ही प्रयत्न किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और ये इनकी वाइफ को गवा दे वो नौबत आ गई थी, कहीं से कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तब उन्होंने अपने वो ही फ्रेंड को फोन किया जो इनको कहां ले गए थे, वो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में। वो व्यक्ति इनका कजिन अभी कैनेडा में था जब इन्होंने कॉल किया, और जब इन्होंने फोन पर बात की कि मेरी पत्नी की ये हालत है, आप कुछ करिए ताकि मेरी वाइफ बच जाए, उनके आश्चर्य के बीच इनको ही आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ले जाने वाली व्यक्ति अब यीशु मसीह का दास बन गया था, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला उसका बेटा बन गया था। और इनको बोला, अगर तू चाहे तो फोन तेरी वाइफ को दे, मैं तेरी वाइफ के लिए दुआ करवाता हूँ और वो ठीक हो जाए। एकदम भड़क उठा ये, अरे तू तो मुझे ले गया था आतंकी कैंप में और तू मुझे यीशु से दुआ करने के लिए कह रहा है। लेकिन ये मजबूर था, कोई आरा चारा नहीं था। इन्होंने बोला ओके चलिए अब मेरी वाइफ के लिए दुआ करो, और वो ही दिन यीशु ने बड़ा काम किया। प्रभु यीशु के नाम से जब दुआ की गई, वो ही आतंकी जिसके ऊपर कोई दया नहीं करेगा, यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया की, उसकी वाइफ को एकदम ठीक कर दिया। वो घटना से उसका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने नदी कहीं पास्टर को ढूंढना शुरू किया, उसके वही कजिन को बताया प्लीज तू मुझे चर्च बता, वो चर्च में जाना शुरू किया। और जब ये लेख लिखा गया द न्यूयॉर्क टाइम्स में, तब ये व्यक्ति यीशु का दास बन गया था। उसके ही घर में उसके जैसे ही कई लोग आ जाते हैं, साथ में मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं, उनके चेहरा नहीं दिखाया जाता सेफ्टी के कारण, लेकिन आज उनके ही घर में बाइबल स्टडी चल रही है, कई लोग वहाँ आते हैं, यीशु के वचनों को आज सीख रहे हैं, उनका पूरा जीवन आज बदल चुका है। हालेलुया। कौन करेगा आतंकी के ऊपर दया? हम होते तो बोलते मरने दो जिन्होंने बुलडोजर से लोगों को कुचला है, कौन करेगा दया? यीशु दया का सागर है प्यारो। हालेलुया। हाथों को उठाए और प्रभु से कहे, प्रभु तेरी करुणा कभी भी टलती नहीं है, तू पापियों को प्रेम करने वाला खुदावंत है, चाहे वो आतंकी क्यों ना हो प्रभु, चाहे हमसे भी क्यों ना कोई गलती हो जाए, प्रभु तू हमसे भी प्रेम करने वाला खुदा है। आपने हमारे पापों के प्रमाण में हमें बदला नहीं दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। मुँह खोल कर गए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तेरी करुणा कभी भी घटती नहीं टलती नहीं, तेरी करुणा घटती नहीं, तेरी सच्चाई मिट्टी। हाथ को उठा कर गाए, तेरी करुणा घटती नहीं, तेरी सच्चाई मिट्टी नहीं। हालेलुया। ताली बजा कर वो खुदावन को धन्यवाद करे। कितना अद्भुत परमेश्वर प्यारो, जो सबको प्रेम करता है, आतंकियों को भी। आज एक सिर्फ गवाही मैंने पढ़ी है, और मैं द न्यूयॉर्क टाइम्स इसलिए पढ़ा, ये क्रिश्चियन मैगजीन नहीं है, समाचार पत्र है, ये न्यूज़पेपर है प्यारो। इसमें ये गवाही लिखी गई है कैसे एक आतंकी को प्रभु ने माफ़ किया और उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत प्रभु हमें मिला है जो दया का सागर है। आइए एक आखिरी गाना प्रभु को महिमा देते हुए गाए, आराधना आराधना करते रहेंगे सदा। आए उस खुदावन को धन्यवाद दे जिन्होंने हमारे बदले कोड़े खाए, हमें जहां मरना था वो मारे गए, हमें जीवन मिले इसलिए उन्होंने खुद मौत उठा ली। आए उस खुदावन को धन्यवाद देते हुए गाना गाए।
अपने लोगों को लेने के लिए इस संसार में वापिस आने वाला है, जिसके ऊपर आपने विश्वास रखा है वो हमेशा के लिए वो जगह आपको ले जाएगा जहां दुख नहीं, जहां आंसू नहीं, जहां विलाप नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां तकलीफ नहीं। वो स्वर्ग जैसी सुंदर जगह उसने आपके लिए तैयार रखी है प्यारो, और किसी के पास ये आशा नहीं है। मरने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन यीशु ने कहा है मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। उन्होंने आपके लिए ऐसी सुंदर जगह बनाई है प्यारो, या दुख विलाप कुछ भी नहीं है। आई उस प्रभु को धन्यवाद दे जो हमें एक दिन लेने आने वाला है। आएगा एक दिन लेने हमें तू बादलों पे, जरूर देखेंगे महिमा, आंखों से अपने देखेंगे तेरा नूर। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए। आएगा एक दिन लेने हमें तू बादलों पे जरूर, देखेंगे महिमा आंखों से अपने। आराधना तेरी आराधना आराधना।
करते रहे, ऊंची आवाज में गाए आराधना करते रहेंगे, आराधना यीशु तेरी आराधना, ओ आराधना 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 तेरी आराधना। मुख खोल कर प्यारो प्रभु को धन्यवाद कहे, प्रभु से प्रभु तूने मुझसे इतना प्यार किया, जहां मुझे मरना था तू क्रूस पर चढ़ गया, जो शिक्षा मुझे सहनी थी तूने उठा ली यीशु, मेरी चंगाई के लिए तूने खोड़े खाए, मेरी शांति के लिए यीशु तूने ताड़ना सही, कि तू मुझे प्रेम करता है यीशु। आराधना तेरी आराधना, आदर मान और सम्मान प्यारे परमेश्वर हम आपको देते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। हमारे बदले आप मारे गए, गुनहगार हम थे, लेकिन आप हमारे बदले गुनहगारों के समान मारे गए प्रभु, ताकि हमें छुटकारा मिले, हमें क्षमा मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो खुदावंत है जो दया का सागर है, करुणा का सागर है, जो कितने भी बड़े पापी क्यों ना उससे प्रेम करने की ताकत रखता है, जो पापियों को मारने के लिए, मार डालने के लिए नहीं, बचाने के लिए संसार में आया। और वो हम वो खुदावन को हम धन्यवाद देते जो सर्व सामर्थी खुदा है, 18 साल से जो नहीं हुआ था वो यीशु आपने करके दिखाया प्रभु। आपको कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती प्रभु, आप सर्व सामर्थ्य प्रभु हो, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब कुछ आपका है, उसके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। आदर मान सम्मान हम आपको देते, हमारी इस दुआ को आराधना को आप कबूल करिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में मिलकर कहे आमीन।